एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, मतलब लंच भी हो गया है और उसके बाद में मैं लावण्या को नहला रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लावण्या को रात में ना नहलाएं, दोपहर में नहलाएं फिर धूप में भेज दें। तो उसे रात में मैं इसलिए नहाती थी क्योंकि सारा दिन बच्चे खेलते हैं ना, तो रात में फिर गंदे होकर आते थे शाम में, तो इसलिए मैं रात में नहलाती थी। पर आजकल दोपहर में नहला रही हूँ, तो देख सकते हैं आप ये कंघी करते हुए। जैसा सभी को पता है, मतलब इसे लंबे बाल पसंद है पर कंघी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस इसको नहला के कंघी करके मैंने तैयार कर दिया और देखिए भागकर वो कहाँ पहुँच गई, तुरंत अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने और इस पेड़ पर टंगे हुए झूलों में। मतलब ये इतने पक्के झूले हैं ना, पाइप्स रहती हैं, पता नहीं कौन सी पाइप होती हैं, मतलब बहुत ही मजबूत है, उस पर ये झूले बच्चों ने डाल रखे हैं। और ये देखिए प्यारा सा व्यू, चांद आप देख सकते हैं। कोशिश कर रही थी मैं कैप्चर करने की, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए बाहर शाम के टाइम बहुत ही सुंदर व्यू रहता है। एवरीवन वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गुड आफ्टरनून क्या गुड इवनिंग ही होने वाली है क्योंकि टाइम जो है वो 4:30 का हो गया है। और बाहर मैंने आपको दिखाया कितना अच्छा मौसम हो रहा है, रात में ना बर्फबारी हुई थी पर बर्फ़ जो है वो अच्छे से टिकी नहीं, वो मतलब इस टाइम के लिए दिन में थोड़ी थोड़ी सी धूप थी ना, मौसम आज ऐसा ही था, मतलब ठंड तो नहीं थी पर बादल बादल से थे और धुंध धुंध सी थी, कुछ थोड़ी थोड़ी बीच में धूप आ रही थी, तो उस वजह से वो बर्फ़ जो है वो सारी पिघल गई और बारिश यहाँ नहीं हुई। और टाइम मैंने आपको बता दिया और लावण्या को मैंने नहला दिया, झाड़ू पोछा सारे कामों से मैं फ्री हो गई थी, खुद नहीं नहाई, काम में लगी थी क्योंकि मेरे आगे थे कारपेंटर। तो जैसे लावण्या को नहाया उसके बाद में कारपेंटर आ गए थे क्योंकि हाइड्रोलिक जो है वो लगना रह गया था और वो जो कॉर्नर मैंने लिया था शेल्फ आपके साथ भी शेयर की थी वो मेरी वेस्ट हो रही थी और उसके लिए कहीं भी जगह नहीं थी, तो मैंने वो ना इधर लगवा दिया। मैं आपको दिखाई देती हूँ, और ये इधर दो नालायक टी वी देख रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, मूंगफली खा के इन्होंने छिलके जो हैं वो ऐसे रखे हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये मैंने ना यहाँ लगवा दिया क्योंकि इसकी जगह ये मैंने इसके नीचे रखा था, तो मैंने कहा वैसे भी वेस्ट हो जाएगा, नीचे तो कोई बर्तन अच्छे से रख नहीं सकते, तो मुझे लगा ना इसको यहाँ लगा देती हूँ। यहाँ लगा के ये रहेगा कि गिलास कटोरी कप इसमें आ जाएंगे और जैसे बच्चे बार बार इसको खोलते हैं ना, तो एक एक गिलास के लिए उन्हें ये चैनल्स बास्केट नहीं खोलनी पड़ेगी, यहीं से इजीली मिल जाएगा क्योंकि बच्चों के हाथ वगैरह भी कई बार गंदे होते हैं, तो मैंने व्हाइट कलर लगवा रखा है तो यहाँ से इजीली वो ले सकते हैं। तो ये नलके को अवॉइड कीजिएगा, ये मुझे लगाना है, मैं सोच रही हूँ 3-in-1 कोई मिल जाए ना मुझे, पर वैसा मुझे मिल नहीं रहा है, तो वैसा अगर मुझे मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। तो 2-in-1 तो मिल रहे हैं, मिक्सचर जो होते हैं 3-in-1 नहीं मिल रहा है। और बाहर अंधेरा मतलब होने ही वाला है, दिन तो वैसे काफ़ी बढ़ गए हैं 25 दिसंबर के बाद। और सिस्टर को फ़ोन किया था, मम्मी को फ़ोन किया था, मम्मी शिमला पहुंच गए और मम्मी बोलते हैं लकीली हम लोग पहुंचे और बाहर स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि आज फिर रास्ते बंद हो जाते हैं एक दिन के लिए तो हो ही जाते हैं, या थोड़ा लेट चलते तो रास्ते में फंस जाते हैं। तो मम्मी ने कहा हम लोग जैसे ही शिमला पहुंचे बर्फबारी शुरू हो गई, तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ ठीक से पहुंच गए, अब पापा की थोड़ी केयर करेंगे क्योंकि पापा की तबीयत मैंने आपको बताया था खाना वगैरह अच्छे से बनाते नहीं है, खाते नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा होता ही है अकेले रहने से, मतलब हमेशा साथ रहें, अब लास्ट में फिर पापा अकेले हो जाते ना, खाना बनाने में बहुत आलस करते हैं, कहते हैं मुझसे खाया ही नहीं जाता, बना मैं लेता हूँ पर मुझसे खाया नहीं जाता अकेले। तो अब मम्मी कुछ दिन रहेंगी, पापा दवाई वगैरह ले रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे जल्दी। और ये रहे लावण्या के टॉयस, और आज मैंने सारे बिस्तर वगैरह ठीक कर दिए हैं, मतलब डाल दिए हैं मैंने बेड बॉक्स में, सारे अच्छे से अरेंज कर दिए हैं, ये रेगुलर लगने वाले हैं, इस रूम में कोई नहीं रहता। तो अब भिंडी जो है वो मैंने धोकर रखी है, आज मैं बनाऊंगी शाम को भिंडी। तो अब मैं नहाने जा रही थी क्योंकि कल ट्यूसडे है, फिर बाल नहीं धुलेंगे और मैंने तेल बहुत ज़्यादा लगा रखा है, तो पहले मैं नहाने चल पड़ी थी पर उतने को वो भैया आ गए, मैंने कहा चलो अच्छा हुआ ये आ गए, फिर इसमें टाइम लग गया, हाइड्रोलिक में थोड़ा टाइम लग गया। आज ना बहुत देर हो गई नहाने में भी, बीच में किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और ये तो मेरा मतलब आप अच्छी बात बोलो या गलत बात बोलो, फ़ोन पे अगर मैं लग जाऊँ ना तो फिर मैं फ़ोन पे ही लग जाती हूँ। और ये देखिए सूजल ने निकाली है,
अपने पापा की स्वेटर, जब मैं ये वाला सूट निकाल रही थी ना, तो सुजल ने अपने पापा की स्वेटर, हुड, जिपर, दो तीन चीज़ें निकाली और ट्राई कर रहा था। जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो देखो कितना वो हो जाता है, बाप के कपड़े बच्चे को आ जाते हैं, तो वो ट्राई कर करके देख रहा था और अब उसने यहाँ फेंक दिया। कहता वाह मामा, पर उसको ना शोल्डर से अभी लूज़ हो जाती है, शोल्डर उसको लूज़ आता है। और मैंने निकाली एक अपनी जैकेट, तो ये देखिए ये ना बहुत पहले की है, हाँ ये जीन के साथ की थी, तब से ये रखी है, कभी कभी पहनती थी। आज देखती हूँ अगर इसका कॉलर मुझे नहीं चुभेगा, क्योंकि सर्वाइकल से ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हीटर के पास बैठ, तो हस्बैंड आ गए और ये मैंने जैकेट पहन ली। और यहाँ पर लावण्या रो रही है। लावण्या बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रही है? ये इसमें है नीचे, इसमें। तो हस्बैंड बना रहे हैं चाय, दूध वाली चाय बना रहे हैं, कैसे बिना दूध के, ब्लैक टी। इसको तो बंद कर दो, कैसा लगा ये है? रहने बेटे ये डब्बा रखना है अभी, हैं पति देव, ये कैसा है? ठीक लग रहा है? कप गिलास और करो, है ना, यूजफुल हो गया। अभी इस जाली पे ना पोछा लगाना बाकी है। हेलो तो कर दो, हेलो तो आपने की नहीं आज। हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, कुछ आप अपना नया बताओ ना महाराज। ममटी नई साल में, अच्छा नई साल में व्लॉग का वो करेंगे हैं। हेलो हेलो, पापा मना रहे हैं। कुछ ज्यादा ही नौटंकी नहीं करती है तुम्हारे सामने है? देखो लावण्या को नानी ने कितने प्यारे वो बना के दिए हैं, दिखा बेटा, दिखा दे यार, दिखा ना, ये देखो, देख लीजिए ये नानी ने बना के दिए लावण्या को, ये ऐसे पैरियां, रहने दे अपने, दिखा आपकी लावण्या, अब हंस रही है। तो ये लड़की इतनी नौटंकी है ना, ये अपने पापा के पास ना कुछ ज्यादा ही वो करती है, बहुत ज्यादा अपने पापा के साथ ना ये ज्यादा ही वो करती है, ज्यादा नखरे। हाँ मैं ऐसे दिखाऊंगी, ऐसी गंदी लड़की है ये। अच्छा जो सब देख रहे हैं सब बोलेंगे गंदी लड़की है। अब हम पियेंगे चाय और उसके बाद ना मैं सब्जी बनाऊंगी, आटा गूंदूंगी। 7:14 हुए अभी, 1:14 चाय पी के आटा गूंदूंगी, फिर सब्जी बनाऊंगी और देखते हैं। भिंडी तो प्याज़ा खानी है, ये क्या था? नहीं खानी मैंने, नहीं मैं भिंडी बनाऊंगी, सिंपल भिंडी, तो सिंपल ही भिंडी बनाऊंगी, फैंसी भिंडी नहीं बनाऊंगी। कितने साल बाद पहना है, मुझे लगता है शायद पिछले साल मैंने पहना होगा, ये पिछले साल पहना था और ये 10 rupees इसी में शायद धो दिए हैं धूले में। कितने छोटे पैक में भी होता है ये। यहाँ पर कर रहे हैं हम अपनी चाय को इंजॉय। सुजल को बोल रहे थे आ जा इधर बैठ जा हीटर के पास, पर वो नहीं आता है, बच्चों को ठंड कम लगती है। तो यहाँ लावण्या आती रहती है, इर्द गिर्द मंडराती रहती है। तो बस यहाँ पर मैं बैठी थी, बाल गीले थे और ठंड सी लग रही थी, तो हस्बैंड ने कहा यहीं बैठकर सब्जी कट कर लो, तो बस रूम में ही मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ, सब्जी कट कर दी थी, प्याज वगैरह यहीं मैंने पूरी प्रेपरेशन कर दी थी और इसके बाद हम लगाएंगे तड़का। बस सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ ये सब्जी। टमाटर मैंने एक कट कर लिया, छोटू सा टमाटर, ये देखिए, तो बस उसे भी डाल देंगे और फटाफट से बनाएंगे हम सब्जी। तो साथ ही साथ ना मतलब एक साथ मैं मतलब एक तरफ मैं सब्जी तड़क के चढ़ा दूंगी, दूसरी तरफ मैं चपातियाँ बनाऊंगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए, बैठ गए थे और फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, तो मैंने कहा चलो फटाफट से सब्जी का ये रहता है, जितनी देर सब्जी पकेगी ना उतनी देर से हम अपनी
चपातियाँ बना लेंगे और दोनों चीज़ें साथ में पक जाएगी और फिर काम ख़त्म। वैसे तो चावल भी रखे हैं, दोपहर में चावल बनाए थे ना, चावल रखे हुए हैं पर दाल नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इनको फ्राइड राइस बना दूँ। क्या मुझे तो ना भिंडी के साथ भी चावल अच्छे लगते हैं, सासू माँ बहुत खाती थी भिंडी के साथ चावल और उनको देख देख कर ना मुझे भी आदत पड़ गई कि कैसे होते हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ। तो अभी मेरी आंखों में ना बिल्कुल चमक रही होगी, इतना रुलाया प्याज ने, मतलब प्याज तो मुझे, मेरी सौतन है प्याज मुझे बहुत ज़्यादा रुलाती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्याज से चाहे एक प्याज काटूँ चाहे चार मेरे रो रो के बुरे हाल हो जाते हैं। तो बस फटाफट से आटा भी मैंने गूंद लिया है, तो आटा ना मैंने सब्जी काटने के बाद पहले आटा गूंद लिया था क्योंकि आटा तब सॉफ्ट हो जाता है ना थोड़ा। और मेरे पीछे देखिए बैकग्राउंड ये कितना गंदा लग रहा है ना, मुझे साफ करना है, मैं कल इसको साफ कर दूंगी। आज दोबारा से ड्रिल होनी थी ना तो उस वजह से फिर मैंने ये नहीं किया, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला हाइड्रोलिक हमने बनाया है, ये वाला तो ये इसमें भी होना था, और ये जो हमने लगाया है अभी थोड़ा हार्ड है, और जो हमने ये कॉर्नर लगाया है ना ये वाला, तो इसमें भी मतलब इसमें भी ड्रिल होनी थी, तो उसी वजह से फिर मैंने ये साफ नहीं किया, उन्होंने मना की थी कि मत करना, तो बस अब आज हो गया। वैसे हम इसको ना पहले यहाँ लगाने वाले थे तो तभी मैंने सफाई नहीं की थी, पर मैं अब कर दूंगी कल इसको साफ। पानी के साथ तो सफाई नहीं कर सकती, पिछली बार तो मैंने ये पानी से सारा धुल दिया था, क्योंकि अब लकड़ी का काम हो गया है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर। तो ये लीजिए, बातों की बातों में बातों के साथ साथ सब्जी भी बन गई फटाफट से सिंपल सी। देखिए कई लोग टमाटर नहीं डालते ना, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भिंडी में टमाटर नहीं डालते हैं, हमारे यहाँ डालते हैं, हम लोग डाल लेते हैं, और बिना टमाटर की किसी को पसंद नहीं आती है। तो ये देखिए ये हो गई, इसे अब मैं इसी प्लेट से ढक दूंगी और इसे मैं करूंगी इधर को शिफ्ट, और इस तरफ लग जाएगा तवा और साथ ही साथ बनेगी चपातियाँ, क्योंकि भिंडी की सब्जी जल्दी पक जाती है। तो किचन टूर को आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि किचन टूर अपना करवाना, तो थोड़ा सा अभी अरेंजमेंट हो जाए ना उसके बाद मैं आप लोगों को पक्का किचन टूर करवाऊंगी। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपकी किचन में कितना खर्चा आया है वो भी हमारे साथ शेयर करना, तो बिल्कुल मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी मुझे खुद को ही दिक्कत हो रही है चीज़ें अरेंज करने में, क्योंकि जो चाहिए वो नज़दीक होनी चाहिए, इस तरीके से आज इधर कर देती हूँ कल उधर कर देती हूँ, इस तरीके से मैं अभी शिफ्ट करती जा रही हूँ सामान को। तो जैसे ही अरेंज हो जाएगी ये, वैसे ही मैं आपके साथ होम टूर की भी बहुत सारी वो आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है कि होम टूर दोबारा से करवाना, काफ़ी चेंजेस हो गए। हाँ जी चेंजेस काफ़ी हो गए, होते रहते हैं, और ऐसा अभी नहीं है ऐसा पहले से है, मुझे मतलब चेंज अच्छा लगता है, धीरे धीरे मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर करूँगी। क्या हुआ, एक अपना रूम वो करने में लगा है। नहीं हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, ये अपना रूम बना रहे हैं, पीछे बना रही है अपना रूम। नहीं ऐसा रूम बनता है नीचे, देखो क्या कर दिया यहाँ, देखो पहले ये बुक्स, ये इसका क्या फायदा होता है भाई, ये ओपन नहीं होगा, ये फिर भी टूटता ही है, मतलब इसका ये जो अलमारी है ना, ये मेरी शादी की अलमारी है, और इसमें मतलब जहाँ वो जॉइंट होता है ना, कब्जे होते हैं जो, रुको बेटा, तो वहाँ हो सकता है, हाँ बेड नहीं होगा इसमें फंसेगा वो, तो इधर ना हस्बैंड देखिए टीवी देखते देखते न्यूज सुनते सुनते सो गए, और ये देखो लावण्या ने क्या किया, ये लावण्या, ये बेटा रूम है, हैं ये इसको सजाना बोलते हैं, अब यार भी करना है मैंने, ऐसे नहीं रखते नीचे, कबाड़ खाना बना दिया पूरा तो इनको ऐसा लग रहा है, सुजल को मैं कह रही थी कि अपना रूम ना बच्चे अच्छे से रखते हैं, तुम पता नहीं कैसे वो इतने बड़े हो गए और अपना रूम अच्छे से नहीं रखते, तो ये बोल रहा है ठीक है अब से मैं अपना रूम, ये आगे वाला रूम मेरा है और इसको मैं खुद से वो करूंगा, मतलब डेकोरेट करूंगा सब कुछ। मैंने कहा करो, बिजी रहते हैं बच्चे, नहीं तो टीवी पे लड़ते रहते हैं।
कॉफ़ी कर रहे हैं, रेड, इतने रेड हो गए, हाथ ठंडे हो गए क्योंकि मैंने बर्तन धुले हैं जो जब ये खाना खा रहे थे ना सब लोग, तो इनके बर्तन मैंने साथ साथ में धुल दिए। बस अब मेरी प्लेट बाकी रहती है और मैं खा रही हूँ अब खाना। प्लेट मैंने आपको दिखा दी, मतलब ये लगा जल्दी, कितनी तसल्ली होती है ना जब सारा परिवार खा लेता है, एंड में खाना खाने बैठते हैं ना तब तसल्ली मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। मतलब अगर परिवार ने नहीं खाया हो ना और पहले खा लें, भूख भी लगी हो तो भी नहीं खा सकते, लगा और एंड में खाने का मतलब तसल्ली से खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं तो बैठ गई हूँ अब यहाँ पर चौकड़ी मार के हीटर के पास, तो चलिए मैं अपना खाना इंजॉय करती हूँ अब। तो आइए आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। यार ये देखो इसने पानी, गाजर का हलवा नहीं खाना, थोड़ा सा गाजर का हलवा रह गया हुआ है तो इसे मैं फ्रिज में, हाँ अच्छा जी, तो इसे ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ और मिठाई खाते हैं, कुछ मीठा हो जाए। ये डब्बे ना, हेलो ये देखो डब्बा खाली, ये किसके काम है? चलो 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 घुसो बिस्तर में, चलो लावण्या तो हम खाएंगे ये पेड़ा। पेड़ा ये कौन सी मिठाई है? पेड़ा होता है, पेड़ा पेड़ा। चलो चलो बिस्तर में घुसो, और मेरे बाल ना गीले हैं, बिल्कुल गीले गीले बांध दिए थे ना मैंने, यही सोच के कि खाने में ना गिर जाए, फिर खाने में गिर जाते हैं। यार बिस्तर में घुस जा लड़की, ठंड हीटर नहीं, छोटे बच्चे सेकते ज्यादा तो बिस्तर में ठीक हो जाएगी ना, थप्पड़ भी लग जाएंगे। दो नौटंकी कर रही है यहाँ खड़े होके, चल तेरे बाल नहीं पड़ रहे, पहले मेरे यहाँ तक थे बाल, इनने काट ही दिए सारे। क्यों काटे, क्यों काटे बताओ, बता क्यों काटे। तो ऐसा था मेरा आज का दिन, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर दबाइएगा। ये मैं इसलिए रोज बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रोज जो है वो नए जुड़ते हैं, फिर उन्हें पता नहीं होता है, तो चलिए, और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया होता है और वो वीडियोस देखते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते होंगे कि सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो सारी देखते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो तैयार बैठे होते हैं कि कब वीडियो आए और कब हम, चलिए उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो तो सबसे अच्छे व्यूअर होते हैं, वो तो एक एक चीज़ देखते हैं, देखते हैं कहाँ क्या बोला, कहाँ क्या किया, कहाँ क्या खाया, कहाँ क्या खरीदा, कहाँ क्या पहना, तो चलिए मोस्ट वेलकम, उनका सबसे पहले वेलकम है, और बाकी तो आप सब लोग हो ही मेरे साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।